नमस्कार, जय हिंद। आज हम पावर पॉइंट में बेलन और शंकु का 3D मॉडल बनाना सीखेंगे। बेलन का 3D मॉडल यानी कि त्रिविमीय जो आकृति बनाना हम सीख रहे हैं, उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जा करके, शेप में जा करके एक ओवल शेप हमें लेना होगा। ओवल शेप को परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए हम शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग कर करके इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस सर्कल का शेप फिल हम चेंज कर देते हैं और कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। येलो ले सकते हैं या कुछ भी, और शेप आउटलाइन हम नो आउटलाइन कर दे रहे हैं। अब इसको हमने त्रिविमीय आकृति बेलन में बदलना है। उसके लिए आप इस शेप में जा करके राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेव करें, या आप साइज के यहाँ पर से क्लिक करके फॉर्मेट शेप में डायरेक्ट जा सकते हैं। फॉर्मेट शेप के बाद आप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको 3D शेप में बदलेंगे। 3D शेप में बदलने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3D फॉर्मेट लिखा हुआ। यहाँ से डेप्थ ऑप्शन में जाएंगे और इसकी डेप्थ बढ़ा देंगे। तो डेप्थ बढ़ रही है, आपको दिख नहीं रहा है कि डेप्थ बढ़ रही है, तो उसके लिए आप 3D रोटेशन में जा करके, या तो आप प्रीसेट से जो है इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या आप एक्स रोटेशन करके या वाई या जेड रोटेशन करके आप चेंज कर सकते हैं। मैं प्रीसेट से ऑफ एक्सिस स्टॉप ले रहा हूँ, तो ये मैंने चेंज कर लिया। अब वापस जो है 3D फॉर्मेट में जा करके इसकी डेप्थ को इनक्रीज करता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर नंबर पुट कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैं ऐसे ही इनक्रीज कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि हमारा बेलन यानी कि सिलेंडर शेप लेने लग गया है इस तरह से। तो इस तरह से बेलन बना लिया गया है। आप इसकी हाइट कितनी भी रख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। शेप फिल बदल करके एक बार देख लेते हैं दूसरे कलर में कैसा लगेगा। रेड में देख रहे हैं। तो ये बेलन या सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, उसका 3D शेप आ गया है। अब हम दूसरा शेप सीखना चाह रहे हैं, शंकु यानी कि कोन बनाना। कोन बनाने के लिए आप फिर से एक ओवल शेप लेंगे इस तरह से, और ओवल शेप को परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट की के साथ आप ड्रैग कर देंगे। तो जितना बेस रेडियस आप रखना चाहते हैं, उतना बड़ा आप जो है सर्कल ड्रॉ करें। शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर दीजिए। शेप फिल आप जैसा जो है जिस कलर का आप कोन बनाना चाहते हैं, उस कलर का आप ले सकते हैं। तो मैं अब की बार रेड ही ले रहा हूँ, या दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए येलो ले लेते हैं। अब 3D रोटेशन में जा करके, प्रीसेट्स में जा करके इसका मैं थोड़ा सा व्यू चेंज कर दे रहा हूँ। ऑफ एक्सिस 2 मैंने कर दिया कि ये क्रॉस में हो गया है। अब इस पे हम 3D मॉडलिंग करेंगे कोन बनाने के लिए। कोन बनाने के लिए 3D फॉरवर्ड में जाएंगे टॉप वेबल से। यहाँ पर हम ये एंगल वाला वेबल ले लेते हैं और यहाँ से हम इसकी विड्थ इंक्रीज करते हैं। तो विड्थ इंक्रीज करेंगे, आप चाहें जितना भी कर सकते हैं। अब हाइट को भी इंक्रीज करके देखते हैं। तो हाइट हमारी इंक्रीज हो रही है, आप देख रहे होंगे कोन बन रहा है। कोन यानी कि शंकु का 3D मॉडल बन रहा है। शंकु का ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है यहाँ पर, तो नुकीला बनाने के लिए आप फिर से विड्थ बढ़ाइए इस तरह से। जब तक ये नुकीला ना हो जाए, तब तक आप इसकी विड्थ को बढ़ाते रहिए। विड्थ बढ़ाने से आप देख रहे होंगे कोन शेप ले रहा है और ऊपरी हिस्सा नुकीला हो रहा है, बिल्कुल बर्थडे कैप की तरह। और इसकी हाइट और बढ़ा सकते हैं आप। इस तरह से आपका कोन का 3D मॉडल भी तैयार हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं कि हमारा 3D मॉडल सही से बना या नहीं बना। एक्स रोटेशन करके या वाई रोटेशन करके आप, या जेड रोटेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि 3D कोन कैसा बना। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर हमारा मॉडल आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए।